चाल है आप सबका। गाइस सबसे पहले तो मेरी आवाज़ जो है उसको इग्नोर करें, मेरा गला बहुत सख्त ख़राब है और मेरे गले में से चार चार आवाज़ें निकल रही हैं, बट आई हैव टू मेक दिस वॉइस ओवर। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। और उससे भी पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम बना रहे हैं जी करेला कीमे। करेला कीमे क्या होता है, आई मीन करेले कीमा जी। तो करेले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक नोटोरियस डिश है कि जी बड़े कड़वे होते हैं, बच्चे नहीं खाते, बड़े नहीं खाते, बट ट्रस्ट मी आप मेरी रेसिपी फॉलो करें। आई विल पुट एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन और आपको ये इतनी आसान और इतने मज़ेदार लगेंगे कि यू विल ट्राई दिस अगैन एंड अगैन। इसका तरीक़ेकार यही है कि जिस तरह से आप कीमे को भूनते हैं उसी तरह से आपने प्रॉपरली इसको भुना है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये हरी मिर्चें और ये सब भून के आपने एक साइड पर इसको रख लिया। दूसरे साइड पे करेलों का जो छिलके होते हैं मैं हल्के से वो भी उतारती हूँ। उसके साथ तीन दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और साथ में आपने करेलों को जिस तरह से धोना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक दरमियान में से कट लगा के इसके बीज निकाल के डिस्कार्ड कर दें। इन पर आपने खूब मिकदार में 2 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाला और इसको अच्छे तरीके से अंदर से बाहर से रगड़ कर नमक के साथ पहले इसको आप इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह मले नमक को ऊपर से अंदर से बैक साइड से सारा रगड़ कर और इसको कम अज़ कम 15 से 20 मिनट के लिए इस नमक के साथ अकेला छोड़ दें। और उसके बाद आपने इनको धो लेना है। धोने के बाद इसको दरमियाने साइज़ में काट लेना है, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, दरमियाने साइज़ का काट लें। अब आपने क्या करना है जी, कीमा आपका भुन चुका है, इस तरह से आपने इसको निकाल के आप साइड पे रख दें। नेक्स्ट आपने प्याज़ों को फ्राई करना है। अच्छा, इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इन्हें जस्ट ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन होती है जैसे प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो करना है इसको, गोल्डन ब्राउन नहीं करना। दूसरे साइड पे जी ये हमारे ये देखिए प्याज जो है ये ट्रांसलेट हो गए, ना ये गोल्डन ब्राउन है ना ये ब्राउन है, जस्ट ट्रांसलेट। ये आपने जी कीमे में डाल देने और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख दें। अभी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए प्याज और इस कीमे को आप साइड पे रख दें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसी ऑयल में जिसमें आपने प्याज फ्राई किए थे आपने करेले और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी साथ ये आपने फ्राई करनी है और जो करेले के छिलके हैं वो भी फ्राई कर लें। अच्छा जी, करेलों में आ गया थोड़ी देर का क्या, क्योंकि मैंने लेना है हरियाणा को स्कूल से, मामा की ड्यूटी भी जो है वो साथ साथ चल रही है। सो करेलों में थोड़ा गैप आ गया, इतने करेले फ्राई हो रहे हैं, इतने में आ गई हूँ इधर अपने बच्चों को स्कूल से लेने। अब ये वो करेले के छिलके हैं जो मैंने ऊपर से उतारी थी स्किन उनकी और वो फ्राई करके कीमे में मिक्स कर दी है। उसके बाद जो एक साइड पर करेले मिक्स फ्राई हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ में मैंने हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं जो बड़ी फ्रेश फ्लश ग्रीन आपको नज़र आ रही है, वो हरी मिर्चें। अगर हरी मिर्ची ऊपर से कच्चा डालेंगे तो वो ज़रा टेस्ट डिफरेंट आता है, फ्राई डालेंगे तो डिफरेंट आएगा। ये जी हरी मिर्चें और करेले जो हैं ये भी मैं मिक्स करने लगी हूँ कीमे में और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। नाउ द फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप ये होता है कि आपने इस पर हरा धनिया डाला और उसके बाद जिससे इसकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती लेकिन ये ख़त्म हो जाती है, मतलब आप खाएँगे तो वो जो कड़वा टेस्ट होता है वो नहीं आता। आपने लेना है जी दही 2 चम्मच जो डोंगे के होते हैं दही और उसमें 2 चम्मच भर के दूध के डालें और ये आप ऊपर से डाल के मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आपने इसको दम पे रख देना। ये लें जी हमारे कीमा के लिए जो है वो दम पे चले गए हैं वो 15 से 20 मिनट के लिए। इसको चेक करते हैं, लुक एट दिस ब्यूटीफुल, और इतना मज़ेदार बनता है ये और ज़रा भी कड़वा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आप इस रेसिपी को फॉलो करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आप देखेंगे कि आपके करेले जो हैं वो कभी भी कड़वे नहीं होंगे। सो टाटा, बाय बाय।